हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान आंदोलन की जमीन पर अब विपक्षी अपनी राजनीतिक फसल काटने में लग गया है। आज आंदोलन का 12वां दिन है। किसान अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार बातचीत करके समस्या का हल निकालना चाहती है, लेकिन विपक्ष आंदोलन को और भड़काना चाहता है और इसीलिए करीब 20 विपक्षी पार्टियों ने किसानों से भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। सवाल यह है कि ये समर्थन किसानों का है या अपना राजनीतिक वजूद बचाने का है, क्योंकि बीजेपी ने आज विपक्ष पर किसानों को लेकर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। कैसे है ये दोहरा चरित्र, आप खुद देखिए। समाजवादी पार्टी किसानों के हर आंदोलन का समर्थन करती है। अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी हैं। अगर ये जेल खेलना चाहे तो जेल भेज दें। मैं यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे नहीं आया, मैं एक सेवादार के तौर पे आया। आप करें तो देश किसानों का कल्याण, हम उसको तरीके से करें बातचीत करके तो आप सड़कों पे आते हैं। ये है डबल स्टैंडर्ड्स। लोगों को लगता है उनके साथ छल कपट है, उनके साथ चीटिंग है, उसमें उनका नुकसान है। कुछ उद्योगपति के फायदे के लिए बनाए हैं, लोगों की भावना है। इन पार्टियों की भूमिका दुगली है। संसद का शीतकालीन सत्र बुलाकर ये जो किसान विरोधी कानून है इनके ऊपर पुनर्विचार करके इनको वापस लिया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। तो अपना वजूद अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। पिछले 12 दिनों से जो किसान सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ खड़ा है, उसके कंधे पर चढ़कर अब विपक्ष अपनी राजनीति चमकाना चाहता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीएसपी और आरजेडी, ये वो बड़ी विपक्षी पार्टियां हैं जो भारत बंद को समर्थन देकर खुद को किसानों का हमदर्द दिखाना चाहती है। अब सवाल है कि जिन कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे हैं उसे लेकर इन विपक्षी पार्टियों का अब तक क्या रुख रहा है। सरकार का आरोप है कि विपक्ष का विरोध उनके दोहरे चरित्र को दिखाता है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़ कर रहे थे। मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों का सबसे बड़ा डर यह है कि आने वाले वक्त में एमएसपी खत्म हो जाएगा और कृषि बाजार में निजी व्यापारियों के आने से सरकारी मंडियां यानी कि एपीएमसी भी खत्म हो जाएंगी। सरकार किसानों के इन दोनों आशंकाओं को निराधार बता चुकी है, लेकिन जब विपक्ष किसानों के आंदोलन को हवा देने में लग गया तो सरकार ने एक एक कर सबका सच सबके सामने रख दिया। कांग्रेस पार्टी का 2019 के चुनाव का मैनिफेस्टो था, पेज नंबर 17, पॉइंट नंबर 11, क्या कहा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट एक्ट जो मंडी चलाते उसको समाप्त करेगी। कांग्रेस पार्टी की कभी कभी कलाबाजी समझनी चाहिए। मैंने अंग्रेजी पढ़ा, उसमें लिखा है कि हम रिपील करेंगे, जो हिंदी है उसमें लिखा हुआ है हम संशोधन करेंगे। हमारी नियत मंडी खत्म करना नहीं थी, हमारी नियत एमएसपी खत्म करना नहीं थी, हमारी नियत पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म करना नहीं थी। इनकी जो नियत है, इनकी जो मंशा है, वो एमएसपी खत्म करना है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट खत्म करना है, एफसीआई को खत्म करना है। इसलिए हमारी और इनकी नियत में बहुत फर्क था। सवाल नियत पर ही है, क्योंकि कांग्रेस अब किसानों की जिन मांगों का समर्थन कर रही है कभी खुद ही उसमें बदलाव की बात करती रही है। सिर्फ कांग्रेस नहीं, बीजेपी का आरोप है कि कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर पलटी मारी है। कांग्रेस ने पहले अपने घोषणा पत्र में मंडी एक्ट खत्म करने की बात कही, अब वही कांग्रेस कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। इसी तरह एनसीपी पहले मंडी कानून में बदलाव की बात कर चुकी है, अब मंडी कानून के समर्थन में किसानों का समर्थन कर रही है। एनसीपी के स्टैंड में बदलाव का सबूत है ये चिट्ठियां जो एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने
आज से 10 साल पहले लिखी थी। तब शरद पवार कृषि मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की सहभागिता की वकालत की थी और कृषि सुधार के नाम पर एपीएमसी कानून में बदलाव की बात कही थी। ये तो इस स्तर तक चले गए कि अगर मंडी एक्ट में सुधार नहीं करोगे तो भारत सरकार का वित्तीय सहयोग नहीं मिलेगा। आदरणीय शरद पवार जी, रिफॉर्म के आप तो नरेंद्र मोदी सरकार से भी अधिक दावा करते रहे हैं और आज आप भी खड़े हो गए। शरद पवार एक कद्दावर नेता है और करीब 10 साल तक वो देश के कृषि मंत्री रहे। महाराष्ट्र में किसानों पर पवार की जैसी पकड़ है उसके सामने कोई दूसरा नेता नहीं टिकता। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार बनवाने में भी पवार की सबसे बड़ी भूमिका रही। ऐसे में कृषि कानूनों पर पवार के दोहरे स्टैंड ने एनसीपी के साथ साथ कांग्रेस को भी मुश्किल में डाल दिया है। जो एक पत्र दिखाकर गुमराह करने का काम कर रही है बीजेपी, एपीएमसी का मॉडल एक्ट, ये मॉडल एक्ट की बात थी। उस कानून में एपीएमसी को अधिकार देने की बात थी। उस कानून में रजिस्ट्रेशन के अधिकार एपीएमसी के पास थे, केंद्र के पास नहीं। मोदी जी का कानून एपीएमसी के अधिकारों को समाप्त करता है। ठीक लिखना और किसी की राज्य सरकार की राय जानना एक बात है, गैर संवैधानिक तरीके से अध्यादेश लाके इसको लागू करना और उसके बाद जोर और जबर से राज्यसभा में जिस तरह से ये बिल पारित हुए थे उनको पारित करना, ये पूरी तरह से एक गैर संवैधानिक और पूरी अलोकतांत्रिक प्रक्रिया है। शरद पवार अब किसानों के नाम पर केंद्र को सीधी धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों के आंदोलन को गंभीरता से नहीं लेगी तो देश भर के किसान विरोध में खड़े हो जाएंगे। इस मामले को लेकर वो 9 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी करने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र की सत्ता में पवार के साथ ही शिवसेना ने भी इस मुद्दे पर पलटी मारी है। जब लोकसभा में कृषि बिल पास हो रहे थे तो शिवसेना के 2 सांसदों अरविंद सावंत और हेमंत पाटिल ने बिल का समर्थन और स्वागत किया था और अब विरोध की राजनीति के चलते शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामने में लिखा कि सरकार किसानों को कॉर्पोरेट का निवाला बना रही है। सवाल है कि शिवसेना को अगर किसानों की चिंता थी तो उसने लोकसभा में बिल का समर्थन क्यों किया? हमने होटिंग नहीं किया, हमने समर्थन में भी होटिंग नहीं किया ना। हम किसान है, जनता है, उनकी रिएक्शन भी देखना चाहते हैं। अगर लोकतंत्र में लोग एक कानून का विरोध करने के लिए सड़क पर उतरते हैं, लोगों के साथ रहना चाहिए, ये डेमोक्रेसी है।